नजरिया कहाँ है, वो हमारी जमहूरियत कहाँ है। वरना अगर यहाँ जमहूरियत होती स्पीकर साहब, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों हमारे शहरों में हमारे बच्चे गंदगी के ढेर में रिजक तलाश करने पर मजबूर है। क्यों कुछ बड़ों के कुत्ते रोज मक्खन खाते हैं। क्यों लोग खुदकुशी करने पर मजबूर है। मैं खुद उसी तबके से ताल्लुक रखता हूँ कि स्कूल से इसलिए निकाला गया था कि मेरे साथ बस्ता नहीं था। कॉलेज के जमाने में जब मेरे दोस्त मरियोरे प्रतापबाद शहर के लिए जाते थे, तो मैं मजदूरी करने के लिए जाता था। आज इस हिवानी बाला में मैं मौजूद हूँ। हर रात मेरे साथ ये फिक्र है कि कौन सा निजाम, वो कौन सा तरीका अपनाया जाए। जाहिर है मेरे ये ख्वाब आप लोगों के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। जनाब स्पीकर, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए वसाइल का मुनसिफाना तकसीम करें, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आईन के बालादस्ती कायम करें। मुझे शर्म आती है कि जिस गाड़ी पर झंडा हो पाकिस्तान का, जिस गाड़ी पर झंडा हो पाकिस्तान का, उसमें कोई वीआईपी बेटा हो, वो मेरे चौक में मेरी सुर्ख पत्ती का एहतराम नहीं करता है। यह मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारे मुल्क का वीआईपी कतार में खड़ा होना, अपनी बारी का इंतजार करना स्पीकर साहब अपने लिए हार समझता है। मैं नहीं समझता हूँ कि आपके मुल्क में कानून और आईन और मेरिट की हुक्मरानी न हो और आप खुशहाली का दिन देखेंगे।